यहाँ रखा था? बोल, वरना मार डालूँगा। बोल क्या करते हैं? मैं तुझे जान मार डालूँगा। क्यों मार रहे हो उसे? आप ही जिम्मेदार हैं इसके। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा था आपसे कि अनु को तुरंत वापस भेज दो, आपने एक न सुनी। तो मैंने ठीक ही किया था। क्या ठीक किया था? खत। अनु भाग कर चली गई है पराए मर्द के साथ। ये देखिए मंगलसूत्र और ये खत, थूक कर गई है वो। और सबसे ज्यादा छींटे पड़े हैं आपके मुंह पर। आवाज नीचे करो। हाँ, बड़े हैं ना आप, बर्दाश्त नहीं होता कोई और बोले तो। क्या हक है आपको आपका फैसला हम पर थोपने का? गलतियां आप करें और नतीजे हम भुगते। इसमें दोष तुम्हारा ही है। अपने बच्चों को इस घर की रिवायत सिखा रह सके, समझा रह सके, और ऊपर से बदतमीजी कर रहे हैं। ये बदतमीजी नहीं है। मुझ पर क्या बीत रही है ये आप तभी समझेंगे जब नंदिनी किसी और के साथ भाग जाएगी। बस करो, बहुत हो चुका। ठीक है तो कह रही है, दूसरों को दोष देने से पहले आप अपने घर को संभालिए। और भाई साहब, जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि आपके नाक के नीचे आपकी लाडली बेटी क्या क्या गुल खिला रही है, आपका सर शर्म से झुक जाएगा। खामोश। खबरदार, जो नंदिनी के बारे में किसी ने कुछ गलत कहा तो, नंदिनी मेरा विश्वास है, मेरा गुरु है, वो उतनी पवित्र है जितना मेरा संगीत। अगर उसमें कोई खोट निकली तो यह समझो कि मेरा संगीत हमेशा हमेशा के लिए मर गया। उसके बाद मैं कभी गाऊंगा नहीं। इतना विश्वास है उस पर तो बुलाइए उसे, अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। बुलाइए। नंदिनी, 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 वो कहते हो कि तो सुनेगी ना भाई साहब। नंदिनी कहाँ हो तुम? भाई साहब जरा बाहर जाकर तो देखिए कैसे कैसे सुर मिला रही है आपकी सुरीली। जाइए।